हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नकुल और आज मेरी गाड़ी पे काम हो रहा है। जो मेरी गाड़ी की ब्रेक थी वो चू चू टाटा की आवाज़ें कर रही थी, तो मैं इसकी डिस्क खुलवा रहा हूं। डिस्क में जो है ग्रूव्स आ गए हैं, जैसे मैंने आपको स्कोडा रैपिड की वीडियो में दिखाया था। अगर नहीं देखी तो यहाँ पे कहीं पे वो आएगा, एक ऊपर उस पर क्लिक कर देना। एनीवेज, तो इसकी डिस्क खुलवा के डिस्क ट्रिमिंग करवाएंगे, तो पूरी डिस्क प्लेन कर देंगे एंड होपफुली आवाज़ बंद हो जाएगी। सो एंजॉय द वीडियो। गाइज, दोनों डिस्क उतर चुकी हैं और एक बार इसमें ग्रूव्स चेक करिए कितने आ चुके हैं। ये जितनी लाइंस हैं, ग्रूव्स हैं और डिस्क काफ़ी गर्म हो रही है, तो इन ग्रूव्स की वजह से डिस्क पैड में भी ग्रूव्स आ जाते हैं और उसकी वजह से जब हम ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। तो अब इसको लैच पे ले जाके इसकी ट्रिमिंग हो जाएगी और अब मैं आपको एक अपडेट देता हूँ जब ये वापस आएंगी। A few moments later. तो here it is guys, डिस्क आ चुकी है लैचवर्क से एंड एज यू कैन सी चकाचक एकदम चिकनी हो गई है, नो ग्रूव्स। तो अब लगाते हैं इसको गाड़ी में। चलो काशी भैया, हो जाओ शुरू। सो डिस्क लग चुकी है, कैलिपर भी लग चुके हैं। अब मैं विनोद भैया से कैलिपर साफ़ करवा रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी काले हो गए थे, मैंने पेंट करवाया था येलो और दिखने ज़्यादा। मैं आपको एक बार उधर का दिखाता हूँ क्या हालत है। तो ये देखिए काले हो चुके हैं, कालक से क्या हालत हो चुकी है। तो मैं टायर तो उतरा ही, मैं तो एक बार इन्हें साफ़ ही करा लें। तो पहले इधर का करवाते हैं और उसके बाद उधर का। तो गाइस, ये अपडेट है 2 दिन बाद का। उस दिन मैंने सिर्फ अपनी डिस्क टर्न करवाई थी और पुराने ही ब्रेक पैड वापस लगा दिए थे, बिकॉज जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें काफ़ी मटेरियल पड़ा था। बट नेक्स्ट डे जब मैंने गाड़ी चलाई तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो एक क्लिप देखिए और आवाज़ ध्यान से सुनना, जो अजीब सी आवाज़ आ रही है, क्लिप देखिए। तो गाइस, जैसे आपने क्लिप देखी, आपने आवाज़ सुनी होगी, अजीब सी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने भैया से पूछा, जिनका बेसिकली गैरेज है, कि आवाज़ काहे की है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिसके कैलिपर हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे, वो कहीं अटक रहे हैं, तो इसलिए ब्रेक पैड जो है वो डिस्क पे रब हो रहा है। तो नेक्स्ट डे मैंने इसके कैलिपर पिन भी बदलवा दिए और इसके डिस्क पैड भी बदलवा दिए। मैं आपको पुराने दिखाता हूँ, मेरी डिक्की में पड़े हैं। सो हियर इट इज़ गाइस, इसमें पड़े हैं पुराने कैलिपर पिन, ये देखिए। इस पर आप देख सकते हैं येलो पेंट भी है जो मैंने अपने कैलिपर पे करवा रखा है। तो ये मैंने चारों चेंज करवा दिए, एक कैलिपर में 2 लगते हैं तो इसमें पड़े हैं, प्लस ये पुराने ब्रेक पैड भी पड़े हैं। एज यू कैन सी इसमें अभी काफ़ी मटेरियल है, बट ये आई थिंक हार्ड हो गए हैं इसलिए काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, तो मैंने ये भी चेंज करवा दिए। ये मैंने रख लिया इमरजेंसी के लिए,
कि कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, और कैलिपर पुराने कैलिपर पिन भी रख लिए हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, अब आराम से बैठ के बात करते हैं कि इस टोटल काम में खर्चा कितना आया। तो गाइस जो डिस्क टर्न होती है वो होती है अराउंड 800 से लेकर 2000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन योर डिस्क साइज। तो मेरी गाड़ी की दोनों डिस्क टर्न हुई है 1000 रुपये की। फिर बात आती है ब्रेक पैड की, जो मैंने इसमें ब्रेक पैड डलवाया है मुझे जेन्युइन होंडा के बाहर से मिल गए थे स्पेयर पार्ट्स की दुकान से, तो वो मुझे पड़े हैं अराउंड 2200 रुपये के, तो ये हो गए आपके 3200। फिर बात आती है कैलिपर पिन की, तो 4 कैलिपर पिन मैंने, मतलब एक सेट 2 कैलिपर पिन का होता है, तो 2 सेट डले हैं 4 कैलिपर पिन, तो ये मुझे मिले 1200 रुपये के, तो ये हो गए आपके 4400। अब बात आती है लेबर की, कि इन सब को खोलना लगाना लेबर चार्जेस कितने लगे, तो वो लगे मेरे 600 रुपये। तो टोटल खर्चा आया 5000 रुपये। तो 5000 रुपये ज़रूर लगे, लेकिन ब्रेक्स एकदम नई जैसी हो गई हैं, काफ़ी ग्रैबी हैं, पंजा दबाता है एकदम, यू नो एक ग्रिप आती है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो 5000 ज़रूर लगे, लेकिन ब्रेक्स एकदम नई जैसी हो गई हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द व्हीकल, एनी व्हीकल, चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटर हो, कि ब्रेक ज़रूर सही होने चाहिए। और अब ब्रेक्स बहुत बढ़िया हो गए हैं, कोई आवाज़ नहीं है चू चू चाचा की, एंड कोई ब्रेक वॉबल भी नहीं है, तो ब्रेक्स काफ़ी सही हो गए हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बाकी मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।